आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज भूमि अधिग्रहण कानून के एक फैक्ट की चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोग मुझसे उस संदर्भ में अधिकतर सवाल करते हैं, और आप लोगों का सवाल ये होता है कि जो नया कानून बनाया गया 2013 का, जिसको हम कहते हैं राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, इस एक्ट के सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 में ऐसा प्रावधान है कि अगर सरकार ने आपकी ज़मीन का 5 साल तक कब्जा नहीं लिया या तो आपको मुआवजा पे नहीं किया तो प्रोसीडिंग लैप्स हो जाएगी, ऐसा कानून में लिखा हुआ है। तो आप लोग सवाल ये करते हैं कि क्या हमारे मामले में ऐसी परिस्थिति, आप लोग बताते हैं कि हमें जैसे पैसा नहीं मिला है या तो हमारी ज़मीन का कब्जा, हमें सरकार ने पैसा तो दे दिया है लेकिन कब्जा नहीं लिया है, कब्जा हमारे पास ही लगभग 6 7 7 साल का वक्त हो गया है, तो उस कंडीशन में प्रोसीडिंग लैप्स करने के लिए हम रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे आप लोगों के सवाल रहते हैं। तो साथियों, मैं आपको उस संदर्भ में हमारा जो कानून है और कानून क्या कहता है और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, उस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा कि अधिकतर फैसले इसी जजमेंट के आधार पर हो रहे हैं, तो आप समझिएगा। देखिए, हमारा जो 2013 का कानून है, उस कानून में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो सेक्शन 24 में बताई गई हैं। आज मैं आपसे केवल सेक्शन 24 की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी दूसरे सेक्शन की चर्चा नहीं करूँगा। सेक्शन 24 में एक बात यह स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कि आपके केस में जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसीडिंग है, जो अवार्ड पारित हुआ है, अगर 1/1/2014 के पहले अवार्ड पारित नहीं हुआ है तो जो नया अवार्ड पारित होगा वो 2013 के कानून से पारित होगा। 2013 के कानून का जो कानून है वो बेहद बेनिफिशरी है कह सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उसमें जो सोल्यूशन है वो 100% का प्रावधान है। तो इस प्रकार से वो एक्ट लागू होगा। दूसरा है कि आप लोगों ने जब जो ये सवाल किया कि अगर 5 साल से ज़्यादा का कब्जा हमारे पास है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो साथियों, हमारा जो ये जो 2013 का जो कानून है उसके सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि या तो 5 साल से कब्जा आपके पास है या तो आपको मुआवजा नहीं मिला है तो उस कंडीशन में प्रोसीडिंग लैप्स मानी जाएगी। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2020 का, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स, ये रिपोर्टेबल जजमेंट 2020 में पब्लिश हुआ है SCC में। तो अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो इस जजमेंट वास्तव में सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 का इंटरप्रिटेशन बताया गया कि क्या मतलब होगा इसका। उसका मतलब ये है कि या तो आपको पैसा दे दिया गया है या तो आपकी जमीन ले ली गई है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो प्रोसीडिंग लैप्स नहीं होगी। तो कई बार आप लोग कहते हैं जैसा कि मेरे को या तो पैसा नहीं मिला है और लेकिन मेरी मेरी सरकार ने जमीन ले लिया है तो प्रोसीडिंग लैप्स नहीं होगी। आप अगर आप सोचें भी कि आपको जाना है रिट पिटीशन फाइल करना है, उसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो भी मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी और टाइम दोनों होगा। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि सरकार ने आपको पैसा दे दिया, जमीन आपकी नहीं लिया है, तो भी प्रोसीडिंग लैप्स नहीं होगी, क्योंकि जब इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो प्रोसीडिंग उसकी लैप्स नहीं मानी जाएगी। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ही प्रोसीडिंग लैप्स मानी जाएगी, तो आप ये समझ जाइए। तीसरा, आप लोगों को मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, फैक्ट इस केस से संबंधित है कि अगर मान लीजिए कि कई बार आप लोग ये सवाल करते हैं कि आपने जो जमीन परचेस किया वो आपने जमीन तब परचेस किया जब लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद आपने केस फाइल किया है कि मेरे को ज़्यादा मुआवजा नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ में स्पष्ट किया है कि जो सबसिक्वेंट परचेजर है केस फाइल करने का राइट उसको नहीं है। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपकी जमीन नेशनल हाईवे एक्वायर कर रहा है और नेशनल हाईवे ने 3A का प्रकाशन कर दिया, एग्जाम्पल के जरिए बताऊं, 3A का प्रकाशन कर दिया 1 जुलाई को। अब आपने जो जमीन परचेस किया है वो जमीन परचेस किया 15 जुलाई को, तो अब आपके पास, चूंकि आप सब्सिक्वेंट परचेजर हो गए हैं, तो आपके पास ये अधिकार नहीं होगा कि आप ज्यादा मुआवजा के लिए आप केस फाइल कर पाए, केस फाइल आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि प्रोसीडिंग लैप्स करने के लिए भी आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका लोकस नहीं है केस फाइल करने के लिए,
तो इस प्रकार से आप अगर केस फाइल करते हैं तो भी वेस्ट ऑफ टाइम और मनी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दो डाउट थे आप लोगों के, अधिकतर मुझसे सवाल क्या करते थे, ये क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों के जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी सवाल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों सारे सवालों का जवाब दूँ। धन्यवाद साथियों।